नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों देख सकते हो कि मुझे OnePlus 3 मिल चुका है और फिलहाल इस OnePlus 3 को लेने के लिए मुझे वसंत कुंज जाना पड़ा। और दोस्तों इसको लाते वक्त मेरा हो चुका है एक तरह से इंजरी। फिलहाल देख सकते हो कि पट्टियाँ लग चुकी हैं, ये मेरे हाथ की हालत है। दोस्तों छोटी सी इंजरी यहाँ पर भी हुई है, एक इंजरी देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक है। और इस पैर की बात करें तो यहाँ पर भी चोट लगी हुई है। और फिलहाल इस हाथ की बात करें तो दोस्तों ये तो पूरा सूज चुका है। आप देख सकते हो कितना गुदगुदा टाइप का इस बीच का सेंटर पाम्प हो चुकी है। तो दोस्तों फिलहाल मुझे मिल चुका है इस इंजरी के बाद भी ये OnePlus 3। तो दोस्तों फिलहाल मैं अब अनबॉक्सिंग नहीं कर पाऊँगा इस OnePlus 3 की। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है इसके बॉक्स के ऊपर। तो दोस्तों अगर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर क्लियर कट में लिखा हुआ है, मॉडल नंबर है OnePlus A3003, कलर है ग्रेफाइट और मैक्सिमम रिटेल प्राइस दोस्तों लिखी है 27,999 रुपये में। और फिलहाल इसको क्लाउड टेल इंडिया में इंपोर्ट करवा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SAR लिखा हुआ है 0.784 वाट पर kg एट 1 ग्राम ऑफ टिश्यू एट हेड और 0.581 वाट पर kg एट 1 ग्राम ऑफ टिश्यू एट बॉडी। तो दोस्तों SAR काफ़ी अच्छी है। सीरियल नंबर दे सकते हो, SQ कोड दे सकते हो। और फिलहाल यहाँ पर लिखा है कि ये डैश चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये रहा इसका कुछ डिब्बा। यहाँ पर OnePlus 3 देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर 3 है। और दोस्तों तो डिब्बा तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मैं इस फ़ोन को अनबॉक्स कर पाऊँगा, तो कोशिश करके देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों डिब्बे को खोलने के लिए दोस्तों इस डिब्बे को मैं लेने गया था आज वसंत कुंज डायरेक्टली। अगर वसंत कुंज की मैंने पूरी वीडियो बना रखी है कि कैसे लोग वहां पर लड़ रहे थे और करीबन करीबन 10,000 से ज़्यादा लोग थे। और फिलहाल मुझे चांस मिल गया और मुझे मिल चुका है ये OnePlus 3। तो दोस्तों डिब्बा तो मैंने खोल दिया है। अरे दोस्तों कैसे खोला जाए। तो दोस्तों मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पर। अरे सब उल्टा फुल्टा हो गया मामला, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले उल्टा सिस्टम स्टार्ट करते हैं। साथ में आपको डैश चार्जिंग वाला यहाँ पर चार्जर मिला है और देख सकते हो कि ये है करीबन करीबन आउटपुट दे रहा है आपका 5 वोल्ट पर और 4 एम्पियर पर। दोस्तों कुल मिला के 5 × 20 20 वाट का ये चार्जर है। और फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर OnePlus की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और ये दोस्तों एक तरह से देखा जाए यहाँ पर अगर पोर्ट को देखा जाए तो ये USB 3.0 को सपोर्ट करता है। तो चार्जर में भी USB 3.0 वाला फीमेल सॉकेट लगा हुआ है। और दोस्तों साथ में केबल दे सकते हो। डिज़ाइन दोस्तों वैसे ही है, डैश चार्जिंग लिखा हुआ है जैसे कि आपको OnePlus में मिल गई थी, OnePlus 1 और या OnePlus 2 में। और फिलहाल ये एक सी टाइप केबल है, यहाँ पर आप सी टाइप पोर्ट दे सकते हो। और फिलहाल इसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों एक तरह से इसका मैनुअल है। और फिलहाल मैनुअल तो नहीं, कार्ड है और यहाँ पर है इसके मैनुअल्स। और दोस्तों देख सकते हैं कि कोई साथ में केस नहीं आ रखा है जैसे कि आपको एक बड़े डिब्बे में देखने को मिल जा रहा था। फिलहाल इस मैनुअल के को खोलूँ कैसे। हाँ दोस्तों खुल गया और फिलहाल झटके से निकाल देते हैं क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों सिम रिजेक्टर टूल है देख सकते हो और साथ में क्विक स्टार्ट गाइड है और यूज़र गाइड है और नेवल सेटल का ये लोगो दिया हुआ है। आप शायद इसको निकाल सकते हो और चिपका सकते हो कहीं पर भी। हाँ दोस्तों और साथ में यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल दे सकते हो। और दोस्तों ये रहा फ़ोन। फ़ोन दोस्तों दिखने में कुछ ऐसा है, आप देख लीजिए। और लेआउट की बात करें तो फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर इंस्टॉल होकर आ रखा है। यहाँ पर है दोस्तों आपका मेन पावर बटन और साथ में एक आपका सिम का ट्रे। ऊपर की साइड को दोस्तों कुछ नहीं है, साइड की साइड को देखा जाए तो यहाँ पर आपको मल्टी फंक्शन की मिल जाएगा और आपका ये वॉल्यूम रॉकर बटन है। तो दोस्तों ये एक तरह से ये आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। और फिलहाल दोस्तों नीचे की साइड को अगर देखा जाए तो आपको दोस्तों मिल जाएगा एक 3.5 mm का सॉकेट, माइक्रोफोन है दोस्तों, लाउड स्पीकर ग्रिल है और दोस्तों साथ ही में आपको मिल जाएगा एक तरह से सी टाइप एडाप्टर पोर्ट। और दोस्तों पीछे की साइड को देखा जाए तो इसमें 16 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा है, सोनी सेंसर है दोस्तों और साथ में सिंगल टोन LED फ्लैश है। दोस्तों पीछे की साइड को देखा जाए ये ग्रेफाइट वाली यूनिट है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया दिख रही है लिखने में और लुक वाइज डिज़ाइन वाइज दोस्तों काफ़ी प्यारा फ़ोन है। और फिलहाल आगे की साइड को देखा जाए तो आपको मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, साथ में प्रॉक्सिमिटी और एम्बिएंट लाइट सेंसर है, रिसीवर स्पीकर हो गया और दोस्तों नीचे को टाइप को है आपका
एक तरह से फिंगरप्रिंट स्कैनर और टच कैपेसिटी बटन्स के साथ आता है। और दोस्तों फ़िलहाल लेआउट तो दोस्तों ऐसे ही है और देखने में दोस्तों फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्यारा है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा माफ़ करना कि मेरे पास जो मेरा एक्चुअल जो सोनी का कैमरा था उससे मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, एक प्रॉपर छोटे से मोबाइल से इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ कि इस फ़ोन के संघर्ष में, इस फ़ोन को पाने के संघर्ष में मेरा ये हल हुआ है। तो दोस्तों ये रहा वन प्लस 3 लुक वाइज, डिज़ाइन वाइज, और दोस्तों फ़िलहाल देखा जाए तो ये है आपका वन प्लस 3। तो दोस्तों आइए एक बार इसको बूट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों वन प्लस लिखा हुआ आ रहा है, पावर्ड बाय एंड्रॉयड, और कुछ स्टेप से ये स्टार्टिंग एनिमेशन है। ऑक्सीजन ओएस के साथ आता है, मैशमेलो है, एंड्रॉयड 6.01 होगा शायद इसके अंदर। तो फिलहाल देख सकते हो कि बूटिंग पर या फर्स्ट बूट में इसको टाइम लग रहा है। तो दोस्तों ये फर्स्ट स्क्रीन पर पहुंच चुका है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है दोस्तों इसके अंदर, और दोस्तों नीचे को आप इंग्लिश ढूंढ सकते हो, शायद इंग्लिश इंडिया भी मिल जाए आपको, फिलहाल नहीं है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं दोस्तों। तो फिलहाल मैं इंग्लिश यूएस ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों ये कीबोर्ड की बात कर रहा है तो मैं गूगल कीबोर्ड मेरे लिए बेस्ट है। और दोस्तों यहाँ पर अभी नेटवर्क की बात कर रहा है तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपने जो होम नेटवर्क है उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये फिलहाल सेव तो हो चुका है, कनेक्शन नहीं हुआ इसका। तो दोस्तों शायद दिक्कत है, फिलहाल छोड़ देते हैं इसको, अगर स्किप करूंगा दोस्तों तो फिलहाल यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। और दोस्तों अभी कनेक्ट हो चुका है, तो मेरे होम नेटवर्क से कनेक्ट हो चुका है, और दोस्तों फिलहाल अब ये कनेक्शन को चेक कर रहा है। दोस्तों थोड़ी लाइटिंग की दिक्कत है, आप थोड़ा सा यहाँ पर मेरे से कोऑपरेट करें। फिलहाल यहाँ पर अब ये गूगल अकाउंट से या गूगल ऐप से आपका जो पुराना डाटा है उसको इंपोर्ट करने के लिए कह रहा है, फिलहाल इसको मैं स्किप कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर अभी ये ईमेल आईडी मांग रहा है। दोस्तों मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया इसका, और दोस्तों फिलहाल ये फ़ोन नंबर के लिए कह रहा है और मुझे यहाँ पर डालना नहीं है तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और फिलहाल दोस्तों मैंने सिम तो डाली नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना गूगल अकाउंट यहाँ पर लॉगिन कर दिया है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दोस्तों अब ये बैकअप के लिए कह रहा है तो फिलहाल जो भी है मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब ये पेमेंट इन्फो के लिए कह रहा है दोस्तों, इसको मैं नो थैंक्स कर देता हूँ।
तो दोस्तों अब ये और अकाउंट को यहाँ पर ऐड करने के लिए कह रहा है, फिलहाल इसको मैं स्किप कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर ये रिस्टोरिंग के लिए कह रहा है, फिलहाल मैं कोई भी डिवाइस से रिस्टोर नहीं करता हूँ। दोस्तों अब ये फिंगरप्रिंट स्कैनर को यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है, तो फिलहाल यहाँ पर मैं एक फिंगरप्रिंट डाल देता हूँ। पहले तो मैं एक पैटर्न डाल देता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर ये पूछा कि रिक्वायर्ड पैटर्न टू स्टार्ट डिवाइस, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट फिंगरप्रिंट को चाहूँगा यहाँ पर। और दोस्तों अब मैं हाइट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं इस पर टैप कर देता हूँ और नेक्स्ट टैप कर देता हूँ। दोस्तों अब ये फिंगरप्रिंट स्कैनर को मैं यहाँ पर मैं एक फिंगरप्रिंट को यहाँ पर रजिस्टर कर लेता हूँ। दोस्तों देखो तो काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी जल्दी इसने कर दिया, और फिलहाल यहाँ पर नेक्स्ट को टैप कर देता हूँ। और दोस्तों अब ये फ़ोन हो चुका है बूट, और फिलहाल यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर बटन्स की बात कर रहा है, तो फिलहाल यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ इसको। और गेस्टर की बात कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो तो डबल टैप टू वॉक और ओपन कैमरा बाय ड्राइंग ओ, टॉगल फ्लैश बाय टैपिंग और ड्राइंग वी, और म्यूज़िक कंट्रोल के लिए दोस्तों पैरेलल। दोस्तों ये है, इस गेस्टर्स को भी मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। और दोस्तों अब ये सेटअप हो चुका है कंप्लीट। तो दोस्तों ये रहा फ़ोन, और दोस्तों देख सकते हैं कि इसकी जो होम स्क्रीन है कुछ इस टाइप से दिखती है। और फिलहाल यहाँ पर आप इसका एप्लीकेशन ड्रॉ देख सकते हो, तो दोस्तों प्योर ऑक्सीजन ओएस पर चलती है। तो दोस्तों आइए एक बार देख लेते हैं कि इसमें एंड्रॉयड वर्जन कौन सा डला हुआ है। और दोस्तों देख सकते हो कि इसमें एंड्रॉयड वर्जन 6.0.1 है, और यहाँ पर सिक्योरिटी पैच देख सकते हो, और ऑक्सीजन ओएस वर्जन है 3.1.0। तो दोस्तों ये हो गया इसका इन्फॉर्मेशन। और फिलहाल अगर दोस्तों देखा जाए स्टोरेज की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तो इसकी इनबिल्ट स्टोरेज है दोस्तों, वो है करीबन करीबन 64 GB, और उसमें से आपको 52 GB आपको अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये फ़ोन आपका USB स्टोरेज को भी यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये हो चुका है इस फ़ोन का लेआउट। और दोस्तों एक बार जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस फ़ोन का कैमरा लेआउट। तो दोस्तों अगर कैमरे की बात करें, तो कैमरा आप यहाँ पर टैप करके ओपन कर सकते हो, और फिलहाल देखा जाए तो कैमरा कुछ इस टाइप से है। एक शॉट लेकर देख लेते हैं दोस्तों, और फिलहाल देख लेते हैं रिव्यू करके। और दोस्तों देख सकते हैं कि फिलहाल मेरी फ्लैश LED का यहाँ पर आ रहा था। दोस्तों यहाँ पर इसने अच्छे से इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर पिक नहीं किया, तो फिलहाल मैं एक बार दोबारा से लेकर देख लेता हूँ एक पिक स्पेशली इस फ्लैश में। और फिलहाल देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रहा है शायद ये एक्सपीरियंस। और दोस्तों अगर रिव्यू किया जाए तो काफ़ी अच्छे से डिटेल को कैप्चर कर रहा है। हालांकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ्लैश LED को यहाँ पर इस्तेमाल किया, तो उसके चलते चलते तो काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी इसने रिप्रोड्यूस की। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कैमरा डिपार्टमेंट इस फोन का काफ़ी अच्छा होने वाला है। फिलहाल अगर आगे के कैमरे की बात करें, तो आगे का जो कैमरा है वो आपका 8 MP का शूटर है, सेम सोनी का सेंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इस फोन का कैमरा होने वाला ज़बरदस्त। तो दोस्तों आगे आने वाली मैं अपनी वीडियो में दिखा दूंगा इसका एक कैमरा रिव्यू। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं अब इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें। और दोस्तों मेरी आगे आने वाली इस फ़ोन की वीडियोस और अन्य टेक्निकल गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।